पड़ोसियों के बीच हुआ मामूली विवाद मारपीट में बदल गया और इस मारपीट में एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई। यह वाकया हीरापुर थाना अंतर्गत नया बस्ती चासापट्टी इलाके की है, जहां पानी भरने के लिए पाइप लगाने के लिए स्कूटी हटाने की बात पर पड़ोसियों के बीच झड़प हो गई और इस झड़प में 76 वर्षीय नबी हुसैन की मौत हो गई। घटना के बारे में बताते हुए मृतक के पुत्र अनवर हुसैन और मेहदी हुसैन ने कहा कि उनके पड़ोसियों ने 20 से 25 असामाजिक तत्वों को साथ लेकर उनके घर पर हमला कर दिया और घर वालों के साथ मारपीट की। अब उन्हें अपने पिता की मौत के लिए प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद है। हमलावरों में 3 शख्स की पहचान तनवीर, अथर और यासीन के रूप में की गई है। क्या हुआ सुबह सर? कुछ मतलब अभी सुबह का बात है कि 15-20 लड़के आ गए थे अंदर, गेट में मार दिए थे लात और गेट मार के तोड़ दिए, गेट नहीं फोड़े थे। अंदर आए, हमको मारे, मेरा भाई को मारा, इन लोगों को पूरा, और मेरे अम्मी को भी लेडीज ग्रुप के हाथ छोड़ा और मेरा 2 चाचा था। झगड़ा किस वजह से हुआ? झगड़ा किस झगड़ा का रीजन था कि मतलब पाइप हम लोग लगा रहे थे, पाइप जो लगाए ना हम लोग, तो पानी के लिए जो पाइप लगाए तो उसका स्कूटी वही जगह में था। हम बोले कि आप इसको साइड कर लीजिए और इधर राउंड से फिर हम घुमाएंगे, तो उतने में इन लोग मतलब हाइपर हो गया। बोला कि कौन कौन था उस जिस टाइम झमेला वो, उस टाइम कौन था? लड़की थी, उसका माँ थी, उन लोग मतलब गाली। उधर से कोई लड़का नहीं था उस टाइम? हाँ लड़का था। कौन था? भाई। क्या नाम है? नेहा का भाई। नेहा का भाई तो एक ही लड़का था? एक ही लड़का था। तो और आप अकेले थे? आप दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ। फिर बात कैसे बढ़ा गए? बात कैसे बढ़ा, हम लोग में झगड़ा हो गया, फिर मेरे अब्बा आके छुड़ा दिए, फादर आके छुड़ा दिए, पहले को मारा टीकू को, पहले वो मेरा भाई को मारा, फिर मेरा फादर आके छुड़ा दिए, हम लोग आके छुड़ा दिए, छुड़ाने के लोग भी मारा। उतने में उसके अम्मी गाली बकने लगी पूरा, और हम लोग फिर गए नहीं, रूम बंद कर दिया। उसके बाद फिर 15-20 लड़का फोन करके आया, रात के साथ गेट में लात मार रहे। आपके घर? आपके घर के गेट में लात? हाँ, घर के गेट पे लात। गेट मेरा भी टूटा हुआ है, एक साइड तो टूटा हुआ है, लात मारा और हाथ में मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसे नहीं आया था, हाथ में सामान वान भी था। हाँ, एक हाथ में चिल्लाने लगा मेरा लड़का, पांच भी था। हाँ, पांच भी था, और एक लड़का पाटा लेके आया था, पाटा पाटा जो होता है उससे हम लोग को मारा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चाचा लोगों को भी मेरा धक्का दुखी दिया, मारा कोई बात नहीं है, मगर चाचा को कैसे हुआ, इनका इनका हादसा कैसे हुआ? चाचा आ रहे थे बीच में, भतीजा हम लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं, धक्का बार बार खेल रहे हैं, धक्का दे दे रहे हैं, ठीक है। कई बार उनको बहुत कस के ढकेल भी दिए, बोला सही आदमी है। धक्का कौन दिया? गिर गया लड़का वहाँ पे दिया, सब जो आया था लड़का। उसमें से कौन लड़का था, देख सकते हैं आप? कौन दिया? वो लड़का का नाम नहीं बताया, पर हम जानते सकल देख सकते। अच्छा, आप उन लड़कों में से किसको पहचानते हैं? तनवीर। तनवीर को जानते हैं? तनवीर को भी जानते हैं, अथहर को भी जानते हैं, यासीन, यासीन को भी, तीनों को जानते हैं। स्पॉट पे कौन कौन था? ऑन द स्पॉट में तनवीर था, तनवीर था, रही था, यासीन भी था क्या? हाँ, अथर बाद में आया था क्या? अथर बाद में। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे चाचा चाचा को क्या वो धक्का दे दिया तो गिर गया वो? पहले तो जब जब, जब मैं उन लोग घर के अंदर आया तो उसको धक्का दे के बाहर कर, मतलब अंदर ठेल दिया, साइकिल फिर गए बाहर, तो बाहर में फिर उन लोग हाथापाई भी किया चाचा के साथ, अब्बा मेरे अब्बा के साथ में भी गया और चाचा के साथ में भी। चाचा ने चाचा का इंतकाल जो हुआ वो कैसे हुआ? मेट्रो से लियो मारा, छाती में मारा। आपके कौन है वो? आपके कौन लगे? हमारे मामो लगे। इनका लड़का कहाँ? इनका लड़का ये आप क्या नाम आपका? सर हमारा नाम मेहंदी हुसैन। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या खा? मैं बोलना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल सरकार से कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम लोग एक मिडिल क्लास से बिलीव करते हैं, हम लोग डेली रोजी रोटी कमाने खाने वाला आदमी हैं,
मेरा बाप एक बूढ़ा लाचार घर में बेबस था, उसके ऊपर मैं आज जो छोटा सा झमेला लेके जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, मैं पश्चिम बंगाल सरकार से सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे हक के लिए। तो ये कौन आप किस पर ब्लेम लगा, कौन कौन किया है प्रशासन से भी, और कौन किया ये, कौन कांड किया? ये वहाँ रहमत नगर नई कॉमेडी का ही लड़का, कुछ नल के लिए ऐसा कुछ बात हो गया था, तो अचानक जो बच्चे मिल के लड़ रहे थे उसमें एक बूढ़ा मेरा बाप जहर दिया, उसमें से तो उसका माँ एक जाहिल औरत को बुलाई अपना घर से 20-25 लड़का को, और वो लोग मारने लगा उस लड़का को। मेरा अब्बा सेल्फ डिफेंस में उसको छुड़ाने के लिए किए, वो उनके ऊपर में भी लाठी चार्ज कर दिए, हॉकी चार्ज कर दिए, और उनका हेड रसूल में भी लगा, जिसके साथ ही साथ संग संग उसको डेथ हो गई। ये पब्लिक को तो हमारे घर को तो पता नहीं था, वो सोचे कि बेहोश हो गया, जब उसको होश में लाने के लिए दिया गया तो वहाँ देख रहे कि उसको डेथ हो गया। अब हमारे सरकार से ही गुजारिश है, पुलिस प्रशासन से भी हमारे पश्चिम बंगाल सरकार से ही गुजारिश है कि हमको इंसाफ मिले। अगर हम जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमको सरकार से फिर भरोसा हो जाएगा। दादा सुबह मेरा भाई कह रहा, छोटा भाई, पाइप लगाने के लिए नल में पानी के लिए, उसका बगल का पड़ोसी का गाड़ी खड़ा हुआ था स्कूटी, उसको बोला सलीम साइड कर दे, तो उसका घर से दो चार लड़का निकल कर मारने लगा। मेरा भाई लोग गया छोड़ाने, बाबा गया छोड़ाने, फिर उसको छोड़ा के आया तो फिर लोग 15-20 लड़का आके घर में गुंडा लेके घुस के बाबा को भी मारा है, माँ को भी मारा, चाची को भी मारा है, और छोटा भाई को भी मारा। मेरा बाबा वहीं डेट कर गया, कौन सा लगा, कौन सा इलाका? रहमत नगर चासापट्टी। और उन लोगों का नाम है तनवीर, अथर, यासीन, उसका लड़की का नाम है नेहा, उसका माँ भी मारा है, और 15-20 का गुंडा बुला के मारा है। किस लिए मारा? अरे सिर्फ गाड़ी हटाने के लिए दादा, सिर्फ गाड़ी हटाए पाइप लगाने के लिए, पाइपलाइन के लिए। पहले मेरा भाई को मारा, ये लोग छुड़ाया है, फिर उसका घर के अंदर आ गया, झगड़ा खत्म हो गया, फिर उसके बाद घर में घुस के मारा, दरवाजा तोड़ करके किया, दरवाजा खोल के हॉकी लेके आया। पिताजी का नाम क्या है? एमडी नबी हुसैन। नबी हुसैन जी। उम्र कितना होगा? 76। पुलिस को जाना है आपने? हाँ, पुलिस को बोला है, लेकिन अभी कोई नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उनका लड़का है, मेरा नाम अनवर हुसैन। अनवर हुसैन। क्या हुआ था? पाइप लगाने, गाड़ी हटाने के लिए बोला, उसी में झगड़ा किया, मार खिलवाया, दरवाजा सब देख के कैसे किया। जो मारा का नाम था उसका? उसका नाम तनवीर, तनवीर नाम था। अच्छा, तनवीर निशान है ना, बच्चे दुकान का बगल में, चप्पल दुकान। अरे लोग लेके आया, लड़का लोग लेके आया, बाहर से लड़का मंगाया ना, बाहर से लड़का बोलवा के मार के लाया। भी मेरा गाड़ी वाला कस कर रहा, गाड़ी वाला क्या आपका रिश्तेदार है? मेरा भाई है, बड़ा बड़ा लड़का है, मेरा भाई है, मेरा भाई। ठीक। रहमत नगर चासापट्टी का बात बता रहे हैं हम, उनका भतीजा हुआ है जो डेट कर लिए, ठीक है। और नल का पाइप लगाने के लिए गाड़ी रखा हुआ था, ठीक है, स्कूटी, उनको बोला गया कि स्कूटी साइड करने के लिए, तो स्कूटी साइड नहीं करके वो बोले मेरा स्कूटी साइड नहीं होगा, तो बोले काहे नहीं होगा, पाइप नहीं जा रहा है, नहीं लगेगा ना, तो इसके लिए झमेला होने लगा, बातचीत होने के बाद में इन लोग चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद इन लोग भी चार्ज करने के बाद उन लोग भी लड़का लोगों को बुला कर लेकर आने के बाद घर में घुस के मारा, घुस के मारा है, लेडीज लोगों को मारा है, बच्चा लोगों को मारा है। तनवीर नाम है लड़का का, यासीन नाम है, अतर नाम है, सभी लोग लड़का लोगों को ग्रुप बना के लेके आया है, घर में घुस के लेडीज लोगों को, बच्चा लोगों को, हाँ, छोटा बड़ा सबको मारा है, हॉकी लेके आया था, घंटा लेके आया था, हाँ, गुंडागिरी किया। क्या डॉक्टर कहाँ बोला? डॉक्टर बोले हैं स्पॉट डेट कर, स्पॉट डेट कर। आप लोग कार्रवाई के लिए पुलिस को जाना है? दरबारी के लिए पुलिस को जाना है, पुलिस लोग अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तक आ जाना चाहिए, उन लोगों को खबर भी पहुंच गया है, वहां तक बहन भी आया था, अभी तक नहीं आया। आपका नाम बोलो, नाम बोलो। मेरा नाम है शाहिद हुसैन। इलाका कौन सा इलाका? इलाका बनपुर। सुभाष इंस्टीट्यूट में क्वारंटीन को लेकर फिश मार्चेंट एसोसिएशन के लोगों ने की शिकायत। इनकी मांग है कि इसे भीड़भाड़ वाले इलाके से हटाकर कहीं और किया जाए,
क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां मुसलसल भीड़भाड़ बनी रहती है। ऐसे में अगर ये फैलने वाली बीमारी किसी मरीज के जरिए किसी दूसरे को हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए उनका कहना है कि सुभाष इंस्टीट्यूट में जो क्वारंटीन किया गया है उसे हटाकर यहाँ से कहीं और किया जाए ताकि लोग बिना डर के अपना काम कर सकें। मामला आया था कि सभी अड़ादार मिलकर के कल मिलकर कंप्लेन कर रहा था कि सुभाष में क्वारंटाइन किया गया, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ का तो माहौल ऐसे ही है और सुभाष में जो क्वारंटाइन हुआ है उस क्वारंटाइन से कभी कभी आदमी लोग भूल वहाँ से सुनने मिलता है कि कोई बीड़ी पीने का बहाना से या चाय पीने का बहाना से बाहर लोग निकल जाता है। तो इसको कम से कम कोशिश पहला ये रहा कि यह क्वारंटाइन यहाँ से कोई दूसरी जगह पर इसको शिफ्ट कर ले तो बड़ा मेहरबानी होगा, इसलिए कि इससे लोग बच सकेंगे। और अगर इस बहाने से अगर लोग बाहर निकल रहे हैं बीड़ी का बहाने से या सिगरेट बहाने से तो इस पर फुल्ली नज़र रखा जाए कि वहाँ जो दरबान है वो कम से कम इस तरीके से एक भी आदमी को बाहर नहीं आने दिया जाए। इसलिए कि हम लोग खुद ही किसी को अगर पता चल जा रहा है कि फिश मार्केट में मछली बेचने वाला को किसी को हो जा रहा तो हम लोग फुल्ली तौर पर उसे नज़र रख रहे हैं और उसको मार्केट में आने के लिए हम लोग एकदम मुकम्मल उस पर पाबंदी आयद कर दे रहे हैं। बल्कि दो आदमी चार आदमी जाके उसको यहाँ बता दे रहे भाई जब तक तुम्हारे साथ ये क्लियरली तरीके से नेगेटिव का मामला नहीं आ जाता तब तक आप मार्केट में मत आइए। तो ये हम लोगों की कोशिश है, इसलिए हम जो है सरकारी तौर आप जिस तरह से DRM को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको हटाने के लिए दूसरी जगह स्थित करने के लिए या इसमें प्रबंधित कुछ लगाने के लिए, तो यहाँ पर क्या क्या बिकता है और किससे इफेक्टेड पड़ सकता है? देखिए यहाँ तो मुकम्मल तौर पे कच्चा धंधा है, ये फल का है, सब्जी का है, मछली का, और सब रिलेटेड कच्चा धंधा से है। सब में करीब करीब पानी का मामला पाया जाता है मात्रा, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इसको कम से कम रोका जाए ताकि कहीं पर भी अगर मान लिया यहाँ पे तो कोई खंभा को पकड़ना या दीवार को पकड़ना या टेबल को पकड़ना या कुछ मारना, ये पाबंदी कोई भी आयत नहीं कर सकेगा, कोई भी इससे नहीं बच सकेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके दूसरी जगह अगर कर लिया जाए तो बहुत मेहरबानी है। आपका परिचय? हमारा परिचय फिश मार्चेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी मोहम्मद सज्जाद हुसैन। सर ऐसे क्या दिक्कत हो रहा है आपको? बहुत डेंजरस है, सुभाष सिनेमा में क्वारंटाइन जो किया है, बगल में रेलवे स्कूल है, बच्चा लोग तो आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, बगल में कॉरपोरेशन है, सामने GT रोड में गैदरिंग है, 24 आवर्स 24 घंटा यहाँ आदमी का भीड़ है, फ्रूट फिश वेजिटेबल्स आलू प्याज इस सारा का गाड़ी रात भर आदमी उतरता है और यहाँ बहुत कंजेस्टेड है। अगर यहाँ क्वारंटाइन करेगा, अगर वो आदमी थोड़ा सा बाहर टहलते हुए चला आया या उसका वायरस बाहर आया तो बहुत आदमी इसमें अफेक्टेड होगा, बहुत आदमी को नुकसान होगा, बहुत आदमी का जान जाने का खतरा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, रेलवे का DRM से, DM से, ADM से, कॉरपोरेशन का मेयर से, हमारा जो मंत्री साहब है मुलायदा घटक साहब से, इस सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि गैदरिंग इलाके से इसको हटा दिया जाए, इसको थोड़ा आउट एरिया में ले जाया जाए ताकि ताकि इतने सारे लोगों का हजार हजार लोगों का जान बच सके। अगर यहाँ से ये वायरस फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा जो कर रहा वो? हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सारे लोगों से कि यहाँ पूरे आसनसोल का 10 लाख आदमी इस फिश मार्केट फ्रूट मार्केट से जुड़ता है, वेजिटेबल मार्केट से जुड़ता है, हर आदमी का जरूरत है, आसनसोल का 10 लाख आदमी का ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, और ये जो है बहुत बहुत ही खतरनाक है। और हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम लोग होंगे जो हम लोग बिजनेस कच्चा बिजनेस करने वाले हैं, और कच्चा बिजनेस से सब कोई रिलेटेड है। ये हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हो सकता है कि हमारा बहुत जल्द हम लोग कोई चिट्ठी लेटर वगैरह भी प्रशासन को दे, ऐसा हो सकता है। आपका परिचय? हमारा नाम मोहम्मद इलियास, मैं एक्स सिग्रेटरी हूँ आसनसोल फिश मार्चेंट एसोसिएशन का। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर यहाँ सभी बराकर ब्रांच से रिलेटेड जितने कर्मचारी रेल कर्मी हैं सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग का प्रोग्राम है प्राइवेटाइजेशन, जो रेल को प्राइवेट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अम्ब्रेला लेकर उस हम लोग यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं।
आज जो भारत सरकार रेल को प्राइवेट करने जा रही है 109 रूट पर और 151 ट्रेन को प्राइवेट करने का जो उन्होंने स्टार्ट किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज रेल जो है, हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में भी, जो कोरोना वायरस जो चल रहा है पूरा महामारी, इस पीरियड में भी हम सभी रेल कर्मी अपने काम को सुचारू रूप से डे टू डे काम करते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रेल को सुचारू रूप से कराने का चलाने का काम कर रहे हैं। आज जो इसेंशियल कमोडिटी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, ये सारे देश के कोने कोने में पहुंचाने का हमारे रेलकर्मी साथी अपने जान की परवाह किए बिना पूरे जोर लगाकर रेल को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोरोना वॉरियर हम लोग को उपाधि दी गई, लेकिन उसके बदले में क्या दिया गया? बदले में हम लोग का 1.5 साल का डीए रोक दिया गया। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का डीए हम लोग का फ्रीज कर दिया गया। इसके विरोध में न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, उसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग को पुराना पेंशन चाहिए। आज हम लोग का मेनली ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और AIRF के बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम दिलीप कुमार, ब्रांच सेक्रेटरी ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन बराकर ब्रांच। धन्यवाद। बीजेपी जिला सदर लखन गुरुई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस मौके पे बीजेपी नेता मदन चौबे भी मौजूद थे। एक जन काउंसिलर निजे जन का से तथ्य गोपन करे तार एससी काउंसिलर देखिए मेयर परिषद सदस्य हुए एवं बर्तमान एक बाड़ी थाकें सेखान थेके पाली पड़े अन्य बड़ एक फ्लैटे चले जावार चेष्टा कर এই যে দুর্গাপুরে দুর্নীতি মেয়র করে চলেছেন, যেখানে পার্টিপিস করেছেন, জলের জন্য যে জলের যে বিরুদ্ধে যে ধরনের তীব্র সমাবেশ করেছেন, একজন মেয়র পরিষদ সদস্য বিনা তার যে আইডেন্টিটি সে নকল করে এসসি নকল করে তিনি যার কাছ ছিলেন এসসি করেছেন, এই যে করে করে তিনি সদস্য হয়েছেন, তার জন্য আমরা তদন্ত দাবি করছি এবং আমরা এর বিরুদ্ধে সকলে আমরা কোর্টে যাব তার ব্যবস্থা করছি। তাই সর্বোচ্চ জানাই আমরা আমরা এই যে মেম্বারশিপ অভিযান আমার পরিবার বিজয়ী পরিবার এর নাম দিয়ে আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছি এবং শুরু করছি। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরের মেয়র সুজিত আগস্তি পশ্চিমবঙ্গের পৌর আইনকে অমান্য করে মেয়র পরিষদ সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক অবৈধ, তার কারণ অন্যায় নোটিশ করে সমস্ত ক্ষমতা কুচ্ছিগত করার চেষ্টা করেছেন এখানকার মেয়র। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে টেন্ডার প্রক্রিয়া বিনা টেন্ডারে প্রায় 1 কোটি টাকার গার্বেজ ভ্যান আর তিনি এক বিশেষ লোককে পাইয়ে দিয়েছেন, তার মূল কারণ কাঠবাড়ি পাওয়ার জন্য এখানে উনি করেছে মেয়র করেছেন। আরও দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয়, ঘৃণার বিষয়, সিধু কানু স্টেডিয়াম একাধিক শীতাপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বেআইনিভাবে বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় করেছেন, যে সম্পূর্ণ অবৈধ, করতে পারেন না তিনি সেখানে সরকারি অফিসে এই বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় করেছেন, সেখানে মেয়র, সেখানে নেতারা বসছেন আর সেখানে কাটবানি, সেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আলোচনা হচ্ছেন, মাফিয়ারা যাচ্ছেন সেখানে পয়সা দিয়ে আসছেন আর গোপন জায়গাতে সরকারি জায়গাতে তারা কিন্তু এই কার্যালয় করেছেন, সেই জন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এই কার্যালয় করছে। আর তারা এখন দুনম্বরি শুরু করেছে বিজেপিতেও কি যে বিজেপিরও জয়েন করছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। আমি চ্যালেঞ্জ করছি জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে, মনোয় ঘটককে, একজন লোকের নাম বলুন যে বিজেপির কার্যকর্তা এই পোস্টে ছিল আর তিনি জয়েন করলেন, একজন করেনি। তৃণমূলে যারা লোকাল নেতা পরিচিতি নেই, গ্রামের মানুষ, সাধারণ মানুষ টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে ঠাক তুলে ধরে দিয়ে বলছে বিজেপির লোক।
आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 13 नंबर वार्ड के खाखुया ग्राम में कृष्णा प्रसाद की जानिब से 400 कृष्णा किट राशन और 300 त्रिपाल तकसीम किए गए। ये तकसीम सामाजिक दूरी का लिहाज रखते हुए की गई। किट और त्रिपाल घर घर जाकर दिया गया। वाजे हो कि सामाजिक खिदमतगार कृष्णा प्रसाद जरूरत के साथ मुसलसल खड़े रहते हैं। এটা আপনার বাড়ি? হ্যাঁ। পুরো টালির বাড়ি? পুরো টালির বাড়ি। তো এখানে বৃষ্টির সময় তো জল ফল পড়ে। হ্যাঁ। তো কোনো তিরপা ফেরপা তো দেওয়া হয়নি? না না। হ্যাঁ না। তো আজকে যে আপনার আপনার এখানে কতজন মানে টোটাল ফ্যামিলি? আমরা এখানে ফ্যামিলি 14 জন আছি। 14 জন। কোনো রেশন ফাশন আপনি তো পাইনি? এখন পেলেন কৃষ্ণাদার পক্ষ থেকে কি বলতে চান? মানে মানে সেই ভগবান স্বয়ং ভগবানকে আজকে সাক্ষাৎ করলাম। মানে আপনারা আশাবাদী আছেন যে ইনাকে বললে হয়ে যাবে, মানে কাজটা হওয়ার সুখে থাকুন, আপনাদের সঙ্গে নিজে যে এডমিশন করাবো, ঠিক আছে? পড়াশোনা করো, ডক্টর আইপিএস বলো, আমি আছি সঙ্গে। এগ্রিকালচার ভালো আছে, এগ্রিকালচারে থাকো, যে কোনো কিছু পড়াশোনা করতে হবে, বাধা দেবেন না, ঠিক আছে? আপনারা এসে দেখা করুন, নাম্বার দে দাও, নাম্বারটা আপনার নিয়ে নেন। भैया बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हर लोग यही कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हम गांव में आ रहे हैं घर में आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि इतना अच्छा मार्क्स है 10 में 12 में, बट पैसा ना होने के कारण घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि आपको शादी करने। क्या बोलना चाहेंगे आप? तो मीडिया कर्मी है, आप तो बढ़िया से समझ रहे कि मीडिया वाला आप लोग करिए, देख लीजिए वास्तविकता क्या है, बोलना और करने में फर्क है, वास्तविकता हालात क्या है। इस वास्तविक हालात में हम तो बोल रहे जितने भी हैं गरीब असहाय पिछड़े जिनको जरूरत, हम तो बोला एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जैसे कृष्णा राशन की त्रिपाल हो गया, एजुकेशन पे हो गया, विवाह कराने को सब साथ में है, और हम चाहेंगे कि इस तरह का बच्चे को हम लोग आगे के लेके जाए, ये तो हमारे भविष्य है, ये हमारे भविष्य, इनको पढ़ाना है, व्यवस्था करना, ये हम लोग सबको मिलकर। आप खुद इनका जाके एडमिशन कराएंगे जैसे स्टार्ट? बच्चे को एडमिशन कराएंगे, हम इनको आशीर्वाद देते हैं कि पढ़ाई करके बड़े बने, आज एजुकेशन आएगा, आज शिक्षा ऐसा माध्यम है कि दुनिया का हर जगह आदमी पहुंच सकता है, शिखर तक पहुंच सकता है। आज आप देख रहे हैं ना सारा कुछ, बड़े बड़े लोग जो एकदम नीचे स्तर से गरीबी से उठे हैं, आज हमारे राष्ट्रपति जी को देख लीजिए क्या है। तो इस तरह से हालात है कि बच्चे बहुत दूर, इनको सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो इसीलिए हम सब जगह घूर के इन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। पांगुड़िया ग्राम पंचायत छाताडांगा बांधावड़ा एवं पांगुड़िया बाजार एखान प्राय 150 ऊपर परिवार जरा सीपीएम एवं बीजेपी करत ता आज के तृणमूल कॉग्रेस जयन कर सुस्वागत कर प्रातन सीपीएम उप्रधान जिन आीरेन रुई दास नेतृत्व अनेक সিপিএম এবং বিজেপি কর্মীরা আজকে জয়েন করেছে, তাদের নামগুলো এখানে দেওয়া আছে, তাপস মির্ধা, গণেশ মির্ধা, গোপাল রাজা, প্রচুর নাম আছে এখানে, প্রায় 150 পরিবারের নাম আছে, আপনাদের দিয়ে দেবে পরে। তো তারা সকলে পশ্চিমবঙ্গে 2011 পর থেকে যেভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন করছেন এবং আমাদের পানুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত যেভাবে মানুষের সাথে মানুষের পাশে সর্বসময় আছে, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টও সবসময় আছে, তো তাকে সেই সেই জন্য নয় তারা কিন্তু ভুল বুঝতে পেরেছে যে যেখানে থাকা উচিত নয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসে থাকা উচিত, মানুষের উন্নয়ন দরকার আছে। যেভাবে কোভিড-19 টাইমে এই মহামারী চলছে, এই টাইমটা তো কিন্তু গরিব দুঃখীদের পাশে একমাত্র রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়েছেন এবং আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস, বারাবণী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস পাশে দাঁড়িয়েছে।
मानुष के सर्वदा सहयोगिता करछे जे कोनो धरनेर सहयोगिता তাই আমি তাদেরকে সুস্বাগতম করলাম। তারা আমাদের বাড়িতে আসায় আমাদের পানুরিয়া পঞ্চায়েত এমনিতেই আমাদের এখানে সব পঞ্চায়েতগুলো আমাদের আমাদের আছে তৃণমূল কংগ্রেসে আছে, তো এরা আসাতে আরও শক্তিশালী হলো পানুরিয়া পঞ্চায়েত, বারাবণী ব্লক শক্তিশালী হলো। আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমার বারাবণী ব্লকের বারাবণী বিধানসভার যারাই ভুলবশত বা কোনো প্রলোভনে অন্য কোনো পার্টি করছেন তাদেরকে অনুরোধ রইল আপনারা পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসুন। আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি, সুস্বাগতম করছি আপনাদের, আপনারা জয়েন করুন। জমায়েত কিসের জন্য কি করা হচ্ছে আজকে? আমাদের রাজ্য কোয়ার্টার কমিটির পক্ষ থেকে গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন যে আধিকারিক আছে, স্বাস্থ্য বা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের যে সমস্ত আধিকারিক আছে তাদেরকে আমরা চিঠি দেওয়া আছে যে শিক্ষক কর্মসূচি করছি এবং সেই জায়গাতে আমরা তাদেরকে স্মারক লিখে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের যে বিষয়গুলো আছে যে সমস্ত করোনা যোদ্ধা যারা রয়েছেন, যারা বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী যারা রয়েছেন তাদের যে সুরক্ষা বলয় পিপিই কিটের মধ্য দিয়ে সুরক্ষা বলয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সময়কালে বিভিন্ন স্তরের আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ সহ পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপক অংশের কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং কিছু মারাও গেছেন। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে একজন কর্মচারী বৃন্দাবন মণ্ডল মারা গেছে। আমরা সার্বিকভাবে এটা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী সহ বিভিন্ন স্তরে কর্মচারী যারা করোনার সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রাখার জন্য এবং সামাজিক যে সুরক্ষা পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে তারা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে সেই সমস্ত কর্মচারীদের পাশে থেকে এবং আমরা আধিকারিকদেরকে এটাই জানিয়ে দিতে চাইছি তাদের প্রতি যেন সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তারা যেন কোনোরকম আক্রমণের শিকার না হয়, এটাই আমাদের আজকের কাজ। কোথায় স্যার হলে জমা দেবেন? আজকে আমরা এখানে সুপারকে দেবো, সমস্ত বিষয়গুলোর উপরে দিই। আমরা নাম পড়েছি, আমার নাম সুজিত মুখার্জি, জেলা সম্পাদক কর্তৃপক্ষ কমিটি পশ্চিম বর্ধমান। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीम का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें, हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कॉन्टेक्ट करें 9334098418 7688 22128।